महाप्रभुंकर अहेतुकी करुणार परिणाम स्वरूप संप्रति सिद्धार्थ भक्तिर परम पावन कार्यक्रम भागवत टुंगी ए पवित्र कार्यक्रम रे जोड़ी ही थिबा अगणित श्रद्धालु भक्त भाई माँ मानकु सभक्ति प्रणति जय गुरु जय जगन्नाथ। दिव्यात्मन विगत पर्यायर आम मैंने आस्वादन करुले तृतीय स्कंधर त्रिंशध्यायर अमृतमय कथा। किभली भावरे जीव प्रत्येह केवल रोजगार करिबे आ साहित्य कि रखिबी आउ सेथिरे मते कोन सतेरे शांति मिलिबो। ए जीव अति मतिहीन अर्थ संचयी प्रतिदिन जे अर्थे मृत्यु उपगत न जाने ए मूढ़ पंडित। अर्थ रोजगार करिबा ही महाबुचे मनुष्य जीवनर सार्थकता। किंतु से दिन सही दुई महला कोठा पर बास करुथिबा वकिल बाबूंक घर कथा आपण मानकु आस्वादन करउथिले। तो वकिल बाबू कहउछन्ती तांका धर्मपत्नी की अरे मु तो एते टंका आनी तुमको दउची किंतु तुम मुहरे खुशी काई नाही सरसत नाही सबुबेले गोटे गारु गारु होउछ शांति कोन पाई। किंतु देख आम कोठा तले चालिया घरे रही केते शांति से रहउछन्ती जोगी जोग्याणी बेल बुड़िले शंख ध्वनि शुभुचि हरिबोल हुलौलीर निनाद सुंदर धूप गोगुल एवं झुणार बासना आसुचि। सकाळ राति चारिरु मध्य प्रार्थना करुछन्ति कि सुंदर भरी अछन्ति किंतु आमे एते अशांति रे काहेकि अछे। पत्नी कहिला तमे जहा कहुछ ता सत जे किंतु आमकु गोटे बेमारी धरिछि से बेमारीर नाम होछ अनिश्चित बेमारी। से बेमारी तांकु धरिनि ना कौन से बेमारी ना जदि तुम देखा चाहछ दिदिन भितर से बेमारीटा कौन तुम जापर कौन कले। वकिल बाबू को पत्नी शहे टंका खुजुरा पैसा टंकिया मुद्रा गोटे चीरा रुमाल अनेशत पुरैंट आती थी से जोगी दुआर मुँह को फोपाड़ देते। सका जिते जोगियाणी उठी झाड़ू मारे देख ला बेलू टा पड़ी अनेशतटा मुद्रा आज सिना पैसा सस्ता होगा मागिदेले सर्वनिम्न 5 टका 100 टका 50 टका भी कापे ना 5 टका खुजुरा पैसा मध्य नवाको लोक राजी नुहत। किंतु से टाटे पाइबा बड़ कष्ट तेणु ये जो पाई अनेशत टा कि आनंद भगवान मत देते अभाव घर द्वार ना खाइबा पीवा असुविधा मो स्वामी भिक्षा कले आम चलाऊ से आ स्वामी की न जनईकी से अनेशत नहीं गोटे कुंपी कर गोटे गड़ू भितर रखिदेला। जोगियाणी चिंता कला मुमती सहे करी स्वामी की कहला तुम्हें दैनिक केते दिन घर भिक्षा कर ना 10 घर हो गले आम चले जाए ना मोर गोटे अनुरोध रखे ना ना कौन ना आउ 5 घर टी अधिका कर स्वामी पचारानी कहीं यार उद्देश्य रहा 5 घर जो अधिका 5 मुठा मिल संचिक रखी आ बिक्री करदे टाट हे अनेशतर एक मिसे सहे करदेवि यही व्यवस्था रहा। किंतु जिते थर से चाउल बिकला केते बेले पूर्ण संख्या हलानी सब जुग्म संख्या हलानी अजुग्म संख्या हला से 109 हला 119 हला तेणु दिने जोगी भल करी मुंडे खाई जाइए पोखरी हुरारे बसु बसु निद आसी जाइए से दिन पैसा पत्र रोजगार विशेष हो पारि घर को सेमती भोकिला पेटे फेरी स्वामी स्त्री कली खोजी आरंभ हो गला ये बाड़ेला से ताकू बाड़ेला आ जो छाचुणी से घर पहुँचाला से छाचुणी स्वामी को ऊपर जो विजे कले घरे कंदल हुरी लगला ना बेल बड़े आ शखध्वनि है ना झुणा गोगुलर बासना आसला दि चार दिन गला वकिल बाबू वकिलाणी की मान धर्मपत्नी कहले कहले आउ शख शुभुची। पत्नी कहले हाँ एवं आपण बुझिपारे कहीं तो शुभ नहीं आउ तो हरिबोल हुलौली ध्वनि आसुनी आउ तो प्रार्थनार से सुंदर स्वर शुभुनी यार कारण या बर्तमान अनेशत बेमारी धरी ये बेमारी जहाँ को धरव तार तो भोक शोष हजिज ना खाइबार मन ना पिंधार मन ना शोबार मन ना ठाकुर पूजा करमी टा मत दरकार टा दरकार आज अर्थ उपार्जन पाई समस्ते व्यस्त से परम कारुणिक सद्गुरुदेव बाबा कहउछंती दिने हरि को न भजिलु बोकारे दिन गला तो गणी गणी टंकारे दिने हरि को न भजिलु बोकारे
दिन गला तो गणी गणी टंकारे दिने हरि को न भजिलु बकारे दिन गला तो गणी गणी टंकारे दिने हरि को न भजिलु बकारे दिन गला तो गणी गणी टंकारे न बुझिलु रे खळ काळ करिब गोळ 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 तोते मारिब देई गळा धकारे तोते मारिब देई गळा धकारे दिने हरि को न भजिलु बकारे दिने हरि को न भजिलु बकारे दिन गला तो गणी गणी टंकारे दिने हरि को न भजिलु बकारे दिन गला तो गणी गणी टंकारे बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय परम कारणिक गुरुदेव कहुचंती जा भगवान कपिल सेदिन माँ को बुझेले आम मानकर अवस्था बर्तमान एया सका उठिले आम देखुचे केते अच्छी शोला बेलू को बालान्स चेक करुचे केते हेला या को नहीं जदि मनीष स्वर्ग को जा था तो जी जिते अर्थ रखी से बहुत दिन बचता ये मुहूर्ते मात्र अर्थ सिना सुंदर बिछणा किणदब गदी किणदब किंतु भल निद किणदब ना अर्थ सिना आपण को सर्टिफिकेट किणदब प्रमाणपत्र किंतु ज्ञान दे पार ना अर्थ सिना आपण को बहुत सुंदर प्रसाद निर्माण करदब किंतु घरे शांति किणदब ना तेणु काल जिते आसी पहुँचीज गोला धोखा देकर विदा करदेव किए अच्छा ना रे आमे जहाँपाई एत व्यस्त ब्रत से माने शेष अवस्था कौन करे जहाँ बोलुछु मोर सीए हे सात पर जहाँ बोलुछु मोर सीए हे सात पर विदा करिबे विदा करिबे देई छिंडा अखारे विदा करिबे देई छिंडा अखारे दिन गला तो गणी गणी टंकारे दिने हरि को न भजिलु बकारे दिन गला तो गणी गणी टंकारे बोले सद्गुरुदेव भगवान की परम कारुणिक गुरुदेव कहुचंती अरे जो परिवार तुत व्यस्त होगा पड़ुची कौन हम मो पानर अवस्था एत निजर बोली भावुचे ये कहीं जड़े साथ देवे सांगे जीवे गोपुष्टे पड़ब रही कष्टार्जित धन रमंथे रही गोष्ठे महिष गोधन प्राणप्रिया पत्नी द्वार पासे थी रही स्वजन बांधव तोर ने सब भाई अति प्रिय देह तोर मिशिब चितारे धर्म कर्म बाबू तोर चलिब साथीरे तेणु धर्म एक पोत गढ़ी विधि तरीबा को ये संसार वारिधि ये संसार रूपक समुद्र को पारि होवाई भगवान आम गोटे भल नौका देखते धर्म रूपक नौका तेणु धर्म छड़ा हुआना भगवान कपिल माँ को सही कथा कहले कहले माँ ये जीव अतिमतीहीन अर्थ संचय प्रतिदिन केवल संची संची चली कुरूपण बसी संचुता धन कुरूपण जमी निजे न खाई न पी केवल संचय करी करी रखे ना ता काम लगे ना अन्य कार कल्याण लगे कहना दुख अर्जित जिते धन से नुहे सुखे प्रयोजन जे दुखरे रखला निजे न खाई न पी कौन हम सी तेणु जे अर्थे मृत्यु उपगत न जाने ये मूढ़ पंडित से अर्थ ही तार मृत्युर कारण हम आजिकल जहाँ पाखे बेस अर्थ अच्छी तार भय भी अच्छी काले किए नहीं जीव अर्थ आँ कौन सब सरकारी बेसरकारी स्थल सब संस्था अच्छा जहाँ पाखे अधिका अर्थ अच्छी कुआडू आणले देखापी व्यवस्था चली
दुख सहीकरी व्यापार करुचे किंतु देह अनित्य ये अनित्य संसार को छाड़ी जीवाक पड़ो ये नित्य नुह नित्य एकमात्र भगवान होते नित्य तेणु गृह कलत्र धन आदि एणे करई नित्य बुद्धि से धन से कलत्र से देहरे बुद्धि खटे खटे आम जीवन कटिगला असली नित्य पदार्थ को छाड़ीदे तेणु महापुरुष मैंने आमको सचेतन कराऊ मन कहुची रे तू पाइला धन न हजा मन कहुची रे पाइला धन न हजा मन कहुची रे पाइला धन न हजा मन कहुची रे पाइला धन न हजा परम रतन धन कु तू पाई 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 कलुगर गड़ पूजा मन कहुचि रे पाइला धन न हजा मन कहुचि रे पाइला धन न हजा बोले संत भगवान की भगवान कृपा करी करुणा करी आम मानकु मनुष्य जन्म देले भगवान को आम दर्शन करार सौभाग्य पाइचे गुरु पाखु मंत्र ग्रहण करे या बड़ धन कौन अच्छे जो मीराबाई कहते पाऊजी मेने राम रत्न धन पाई वस्तु अमलक दिए मेरे सदगुरु कृपा करी आपनाई कहले अमूल्य वस्तु मो गुरुदेव मत दे कृपा करी आपणार मन करी जिते खाइले बोले सर ना जिते बांटिले सर ना चोर नहींगले सर ना जिते खर्च कले क्षति हबार ना से परम धन को मु प्राप्त से धनटी कौन रे मन कृष्ण नाम गंठी धन करी था रे मन कृष्ण नाम गंठी धन करी था मन राम नाम गंठी धन करी था मन राम नाम गंठी धन करी था तू गुरु नाम गंठी धन हरि नाम गंठी धन गुरु नाम गंठी धन हरि नाम गंठी धन करी था करी था करी था मन कृष्ण नाम गंठी धन करी था रे मन राम नाम गंठी धन करी था मन गुरु नाम गंठी धन करी था बोले संत भगवान कि प्रकृत रे गंठी धन हूँ भगवान कर नाम किंतु आम जो धन पछरे गोड़ौंती अनित्य संपत्ति ता स्थिर नुहे से चला धन चलिबो सब बेले गोटे निर्दिष्ट जगार रहिबो नाही तेणु जे अर्थे मृत्यु उपगत न जाने ये मूढ़ पंडित जो अर्थ ही केवल विनाशर कारण तारि पछरे सदा सर्वदा धाई धाई जीवन बहुत समय बीतीगला ये देह अनित्य ये व्यापार अनित्य ये गृह कलत्र ये सब अस्थिर या भितर कौन सी स्थिरता नाई तेणु ये देह सुत दारा मोहे मोहर बोली नित्य कहे गोविंद 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 ए माया मोहे पड़ी अच्छी एणु ये न बुझई की गोविंद 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 मधु गड़ुची मकर बोले सच्चिदानंद भगवान की मे और मोरा तीर तो माया गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते कि मायार जीव पड़ी छटपट हो मन मायारे मिछ मायारे आमे मिछ मायारे मातिकी बड़ बाया हो जाए
ଯେଉଁଟା ସତ ନୁହଁ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ିଛେ ମାୟା ମାନେ କ'ଣ, ଯାହା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଅଛିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ମରିଚିକା ପଛରେ ଯେମିତି ଓଟ ଗୋଡ଼େଇ ଥାଏ ଟିକିଏ ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମରୁଭୂମିରେ ତୃଷା ମାନେ ଜଳର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ ନା। ସେମିତି ପରିବାର ସଂସାର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଏ ସଂସାର ଯେଉଁଠି ସଂସାର ନୁହଁ କାହାରି ନବଲ ମୋହରି ମୋହରି ଦେଖ ଏ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପ ଆତ୍ମା ନିପାତି ମହାଦୁଃଖ। ଭଗବାନ କପିଳ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଏ ମାୟା ମୋହେ ପଡ଼ିଅଛି, ଏଣୁ ଏ ନ ବୁଝଇ କିଛି। ଯିଏ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ତଥାପି ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ଗୁରୁଗୃହରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଉ ଦେଉ ସେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଟିକେ ଯଦି କରୁଣା କରନ୍ତେ ମୋ ପ୍ରତି, ମୋର ଟିକେ କିଛି ଦିନ ସଂସାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସଂସାର କରିବାକୁ ଯା, ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରଟିଏ ସହିତ ବିଭାଘର ସରିଲା ପରେ ତୋର ସନ୍ତାନଟି ହେଲା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ତୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ନା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ତ ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରି ଗୃହସ୍ଥକୁ ଯାଇଛି, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ କରିଛି, ସଂସାର ହେଲା, ପୁଅଟି ହେଲା, ଆଉ ସେ ଆସିଲାନି। ଗୁରୁଦେବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିରେ ବାବୁ କ'ଣ କହିଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତୋର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା, ପିଲାଟି ହେଲେ ଏବେ ଚାଲେ। ନା ଆଜ୍ଞା, ପିଲାଟା ଛୋଟ ହେଇଛୁ, ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଆଉ। ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲା, ବିଭାଘର ପିଲାର ହେଇଗଲା, ଗୁରୁ ପୁଣି ଗଲେ, ଆରେ ବାପ ଚାଲେ। ନା ଆଜ୍ଞା, ନାତିଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ନାତି ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିଯିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ନାତି ହଉ ଯିବୁ। ତ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ତା ଭିତରେ ନାତି ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ବୁଢ଼ା ୟା ଭିତରେ ହରିଓମ୍ ତସତ ହେଇଗଲା, ପ୍ରାଣପାତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୁରୁ ଗୃହକୁ ଗଲାନି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ତ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଥିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ୟାର ଏତେ ଆସକ୍ତି ଯେ ଇଏ କୁକୁର ହେଇକରି ବାରିପଟେ ଜଗିଛି। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ, ସେ କୁକୁର ଟିକେ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ତ ସେ କୁକୁର ହେଇକରି ଜଗିଛି ଏତେ ଆସକ୍ତି, ସେଠୁ କୁକୁର ମାଲିକ କହିଲା ଘର ମାଲିକ, ଆଜ୍ଞା କୁକୁରଟା ଟିକେ ଜଗିଛି, ଆମେ କେତେବେଳେ ନଥିଲେ ସେ ଜଗର ପର ଜଗିଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉ, ଆପଣ ନେବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୁରୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ମରିଗଲାଣି। ଗୁରୁ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିଲେ ଏ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ, ତାଙ୍କ ଅମାର ଘରେ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ ହେଇକିରି ଦନକୁ ଜଗିଛି। ଗୁରୁଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିକିରି କହିଲେ, କହିଲା ରେ ଜାଣିଲଣି ତୁମ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ ପଶିଛି, ଯେଉଁ ପୁଅ ନାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନାଗ ସାପ ହିଁ ଜଗିଥିଲା, ସେଇମାନେ ତେଣ୍ଟା ଧରିକିରି ଗଲେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଆସକ୍ତି ଯେ ସେ ସଂସାର କଲା ପରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପୁଅକୁ ବିଭାଘର ଦେଲା, ନାତି ଦେଖିଲା, ନାତି ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସକ୍ତି ସକାଶେ କୁକୁର ହେଇକି ରହିଲା, କୁକୁର ହେଇକିରି ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାଗ ସାପ ହେଇକିରି ଅମାର ଘରେ ଜଗିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅଛି। ଗୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆସି କହିଲେ, କହିଲେ ରେ ତୁମେ ଜାଣିଲଣି ତୁମ ଅମାର ଘରେ ଗୋଟେ ବିଷଧର ନାଗ ସାପ ଅଛି, ପୁଅ ନାତି ସମସ୍ତେ ତେଣ୍ଡା ଧରିକିରି ଗଲେ ସେ ସାପକୁ ମାରିଦେବା, ଅମାର ଘରେ ପଇଚାରେ ବାବା ଆମେ କେତେବେଳେ ଗଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି କରିବ। ଗୁରୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି, ସେ ସାପକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆଶ୍ରମକୁ। ନାଗେ ତୁରନ୍ତ ଏଠୁ ହଟାନ୍ତୁ ତାକୁ। ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଦେଖିଲୁ ତ ତୋର ଆସକ୍ତି ତୋର କ'ଣ ହେଲା, ଅଧୋଗତି କରେଇଲା, ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲୁ, ଆଜି ପୁଣି ତିର୍ଯ୍ୟକ ଜନି ଗୋଟେ ସର୍ପ ଜନିକି ଆସିଲୁ। ତେଣୁ ମା ବାପାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ ନ ପକାଉ, ଏଭଳି କର୍ମ ଆମେମାନେ କରିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ ଏ ମର ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ନ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୁରୁଦେବ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଛନ୍ଦା ପଦାର ବିନ୍ଦେ ସଦା ମତି ରହୁ, ଛନ୍ଦା ପଦାର ବିନ୍ଦେ ସଦା ମତି ରହୁ, ଛନ୍ଦା ପଦାର ବିନ୍ଦେ ସଦା ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରଟି ଜୀବ, ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରଟି ଜୀବ, ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରଟି ଜୀବ, ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରଟି ଜୀବ ଗତି ପାଉ, ଛନ୍ଦା ପଦାର ବିନ୍ଦେ ସଦା ମତି ରହୁ, ଛନ୍ଦା ପଦାର ବିନ୍ଦେ ସଦା ମତି ରହୁ, ଛନ୍ଦା ପଦାର ବିନ୍ଦେ ସଦା। ବୋଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ପରମ କାରୁଣିକ ଗୁରୁଦେବ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଛନ୍ଦା ପଦାର ବିନ୍ଦେ ସଦା ମତି ରହୁ, ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରଟି ଯିବ
गति पाऊ मुक्ति पाऊ आउ थरे ये मोर संसार को आसीबा को न पड़ू जीवर गति हे जाऊ मुक्ति हे जाऊ तेणु ए माया मोहे पड़ी अच्छी एणु ये न बुझई किछि गुरु जेते कण कले जहार जेमंत स्वभाव हाँ गुरु वचन कि करिब तो गुरु कहितले तू आसीबु किंतु संसार मायारे पड़ी आग स्त्री आसिला स्त्री परे पुआ आसिला पुओ परे बहु आसिला बहु परे नाती आसिला तथापि तो छाड़ी जीवा को इच्छा नुह कुकुर होकर जगिला शेष से सर्प हला तथापि तो जाकि गुरु को प्राप्ति हाँपाई आग्रह ना ये हूँ बद्ध जीवर ए प्रकार अवस्था आम मैंने साधारणतः जिते विभिन्न ग्रामांचल को सत्संग जाऊ किसी लोक कहते जी आम आगु जाणी था आज्ञा आश्रम रही था सही हरिनाम संकीर्तन कर जीवन को कटे था रिटायर्ड कलापर आज्ञा आई कम ना निश्चय जीवु किंतु आज्ञा देखा हुए बर चाकरी करसंग को आसती सदस्य हमें हरिनाम करती सरीगला आने देखा ना कहीं मोह आसक्त माड़ बसे से पुह नाती नातुणी घर संसार जमीवाड़ी कोठावाड़ी या कोई जीवन दीपली भी जाए यही आम मैंने जन्म होते थे चिंता करूँ के तुम्हे तुम्हर किए भावुच कहीं आसी कि कर्म करुच प्रकृतर तुम्हर कि कर्तव्य के भी भला बुझिब ई भाव तुम्बे देह जीव कि ब्रह्म केतबले बुझिब ई मर्म आउ कि पाइब दुर्लभ जन्म केतबले करिब सुकर्म प्रेमाचार्य दर्शन मधुभागवत तेणु जदि कृपा करी भगवान ये मनीष जन्म देले तो अंततः संसार किछि खराब नुहे संसार भितर थी ईश्वर को चिंता करी ये बंधन रु मुक्त हवा दरकार तेणु भागवत सुंदर भाव अति बड़ी जगन्नाथ दास कहते संसार मध्य जीव माने भ्रमती निरते अज्ञाने गोविंद 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 पदुगाड़ुछि मकरंद जावत जोनी रे भ्रमती सर्वत्र फूटी नमरंती गोविंद 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 पदुगाड़ुछि मकरंद ए घोर दुख सुख मणे वैराग्य न जन्मे अज्ञाने गोविंद 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 पदुगाड़ुछि मकरंद श्रीमद भागवत भगवान की जय से परम पावनी कथा को आम मैंने आस्वादन करुवा मात्र परवर्ती पर्यायर आज तो समय ही जाय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ बोले जगन्नाथ महाप्रभु की जय।